हमारे 252 कॉलेजेस जो राजस्थान में हैं उनमें अच्छा समन्वय स्थापित करने के लिए हमारे कमिश्नर साहब ने OICs नियुक्त करें। एक OIC के पास 4 से लेकर 5 कॉलेजेस हैं। उससे क्या है, व्यक्तिगत रूप में जाके वहाँ का अधिकारी आयुक्तालय का वहाँ की समस्या और जो निर्देश आयुक्तालय के हैं वो उनको बता सके। आज की मीटिंग का जो ये है उद्देश्य था कि एक तो हम बहुत सीरियस हैं कि 1 जुलाई से कक्षाएं शुरू हो जाएं। इसी वजह से आपने देखा होगा हम यहाँ पे हाईएस्ट लेवल पे ये डिसाइड किया गया कि डेट नहीं बढ़ाई जाएगी, और हमने इसी सिलसिले में कल रविवार को कॉलेज खुला रखा था कि बच्चे अपना फिज़िकल वेरिफिकेशन फॉर्म्स का कर सकें। तो आप देखिए सारी क्लासेस, क्योंकि सेकेंड ईयर को भी हम एडमिशन दे रहे हैं, थर्ड ईयर को भी दे रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है ना। और तो अब ये बहाना नहीं रहेगा कि साहब क्लासेस कैसे करें, एडमिशन चल रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, बच्चों को एक्स्ट्रा देने के लिए आपको पहले भी किसी ने ब्रीफ किया होगा कि हम लोगों ने कॉलेजेस में प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम शुरू करा है जिसके अंतर्गत बच्चों को कोचिंग मिलेगी। और आप ये चीज़ अप्रिशिएट करेंगे कि यहाँ पे कॉलेजेस में जो प्रोफेसर साहब हैं सब अपने सब्जेक्ट में पारंगत हैं, तभी वो प्रोफेसर बने, तो वो एक पढ़ाएंगे और वो भी फ्री में, और एक बच्चा बाहर जाएगा कोचिंग लेने तो इतना बढ़िया रहेगा। लेकिन क्योंकि ये प्रतियोगिता दक्षता या कोचिंग क्लासेस खाली एक औपचारिक नहीं रहे, इसके लिए भी टाइम टेबल और कम से कम 4 घंटे की कक्षाएं, कम से कम, ये नहीं कि कोई कॉलेज कहते हमने तो करा दी 1 घंटे की कक्षा हो गई, हो गया, औपचारिकता नहीं, तो ये इसके बारे में बात करनी थी। तीसरा, हम ऑल ओवर राजस्थान 13 जुलाई को एक प्रतियोगिता दक्षता का एग्ज़ाम लेंगे, क्योंकि पिछले साल भी ये चली थी, तो वो एग्ज़ाम में बच्चों को देंगे, हमारे यहाँ से ही पेपर आएगा और हमारे यहाँ से ही OMR शीट दी जाएगी। फिर 15 जुलाई से वापस रेगुलर कोचिंग क्लासेस या प्रतियोगिता दक्षता क्लासेस शुरू हो जाएंगी बच्चों के लिए। तो आप जो देखेंगे कि जो बच्चा एक तरह से विमुख हो रहा था कॉलेज से कि व्हाट नेक्स्ट का उसके एक प्रश्न रहता था, है ना, वो प्रश्न का हम हल दे रहे हैं कि आपको पुलिस सब इंस्पेक्टर की क्लासेस यानी कोचिंग चाहिए, RS की कोचिंग चाहिए, IAS की कोचिंग चाहिए, बैंक की कोचिंग चाहिए, वो आपको हम आपके ही कॉलेज में वो सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, और वो भी निशुल्क, वो भी निशुल्क। देखिए सबसे बड़ी बात ये, अच्छा एक हम लोगों ने कहा है कि अब एक जो टाइम टेबल हमेशा बना करता था, हम ऐसा टाइम टेबल नहीं, अब हम मंथ वाइज टाइम टेबल बनवा रहे हैं और डिस्प्ले भी कर दिया कॉलेजेस ने, मैंने देख भी लिया, मंथ वाइज टाइम टेबल जिसमें टॉपिक ऑफ द डे भी हो जाएगा, तो टॉपिक्स रहेंगे तो बच्चे को मालूम होगा क्या क्या चल रहा है। एक कमिश्नर साहब ने हमारे ये ज़ीरो लेक्चर वाला, ज़ीरो क्लास वाला कंसेप्ट शुरू करा है। क्या होता है कि कई बार टीचर कह देता हमारे तो स्टूडेंट्स ही नहीं आ रहे हैं, है ना। अब इसमें अपन ये फिक्स करें कि किसकी गलती है, लड़का की गलती है कि टीचर की गलती है, या ये हमने ये चीज़ ही ख़त्म करी। आप जाइए, आज जो टॉपिक ऑफ द डे, गो टू योर रिस्पेक्टिव क्लासरूम, जाके आप लेक्चर दे आइए, बच्चे हों या नहीं हों। तो टीचर को क्या लगेगा, बच्चे आए तो बहुत अच्छा, खाली क्लास तो पढ़ाना कौन चाहेगा, है ना। तो वो लेक्चर तो उसको डिलीवर करना ही करना है, लेक्चर तो डिलीवर करना ही है, बच्चा भी देखेगा लेक्चर चल रहा है तो मैं जाके बैठ ही जाऊँ। तो ये जो एब्सेंटिज्म की समस्या है इसको बहुत हद तक ये इस ज़ीरो क्लास वाले या ज़ीरो क्लास वाले कंसेप्ट से ख़त्म हो जाएगी। फिर हमने जैसे स्कूलों में होता था, क्या होता है कॉलेज में बच्चा ये नहीं करना था, अब हम हर मंथ, पहले क्वार्टरली हुआ करता था, होता था पहले भी, हम हर मंथ जो पढ़ाया गया है उसका टेस्ट लेंगे, एक टेस्ट लिया जाएगा। आज मैं इसलिए भी आया हूँ कि अजमेर में तो इतना नहीं है, जैसे दूर दराज के एरियाओं में गैप बहुत है। गैप कैसे, कि हमारे पास लेक्चरर नहीं है। अभी हमारे मंत्री जी ने, सेक्रेटरी ने, कमिश्नर ने और हम सब जॉइंट बैठे थे, 252 कॉलेजेस की VC करी थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये गैप वाली बात सामने आई थी, तो वो गैप हम भरेंगे जिससे ये नहीं हो जाए कि साहब 1 जुलाई से हम क्लास कैसे करें। अब वो गैप हम कैसे भरते हैं वो हम देख लेंगे, आयुक्तालय से भी आदमी जा सकता है, डेपुटेशन पे भी आप जा सकता है, ट्रांसफ़र का अगर हुआ तो ट्रांसफ़र पे जा सकता है, और नहीं तो हम अपने लेवल पे
जयपुर में रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं लेक्चर्स की, ई रिकॉर्डिंग, और वो ई रिकॉर्डिंग हम आपको भेज देंगे। तो मतलब कहीं गैप हम नहीं रहने देंगे, जो जिसको कहते हैं। अपन तो बहुत अच्छी जगह रह रहे हैं, तो इतनी समस्याएं ऐसी नहीं हैं। जैसे कि पुष्कर और सरवाड़ में इन्होंने बताया कि, ये इन्होंने वीसी में भी बताया था कि दो लेक्चरर्स नहीं हैं, एक जगह हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर के लिए, एक जगह हिस्ट्री और पुष्कर में हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए। वो हमने तब भी नोट कर लिया था और उस पर कार्य चल रहा है, आज मैं भी नोट करके चला गया हूँ वो है। तो अपन तो फिर भी अजमेर रीजन जो है बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन इसीलिए मैंने आपको भूमिका दी थी कि सवाल अजमेर रीजन का नहीं है, 252 कॉलेजेस का है। तो इसीलिए वो संवाद स्थापित करने के लिए सब जगह OICs गए और अपनी रिपोर्ट व्यक्तिशय हमको उपस्थित होकर कमिश्नर साहब को देनी है।